प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। बाइबल स्टोरीज चैनल पर आप सबका स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से एस्तेर की कहानी का संक्षिप्त विवरण लेकर आई हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल बताती है, शोशन नामक राज्य में शेयर्ष नाम का राजा राज्य करता था। उन दिनों राजा ने सभी कर्मचारियों को, प्रधानों को और सभी हाकिमों को भोज करवाया। उस भोज में उत्तम से उत्तम पदार्थ व दाखमधु भी दिया गया। राजा ने अपने भवन के सब भंडारियों को यह आज्ञा दिया कि जो जैसा चाहे उसे वैसा ही दिया जाए। इसके पश्चात जब राजा दाखमधु पीकर मग्न हो गया, तब उसने अपने सेवकों और सेवा करने वाले सभी हाकिमों को आज्ञा दी कि वह उसकी रानी वश्ती को यह आज्ञा दे कि वे राज मुकुट धारण कर अपनी सुंदरता को देश देश के हाकिमों के सामने प्रकट करें। जब हाकिमों ने रानी वश्ती को यह संदेश दिया तो रानी ने यह आज्ञा मानने से साफ इनकार कर दिया। इस पर राजा बहुत क्रोधित हुआ। तब राजा ने राजभवन के पंडितों से पूछा कि रानी ने यह आज्ञा का पालन नहीं किया है तो उसके साथ क्या करना चाहिए, क्योंकि वह अपने राजभवन की सभी सभा अपने पंडितों से लिया करता था। तब राज्य के सब पंडितों ने यह सलाह दी कि रानी ने उसकी आज्ञा को नहीं माना, इसलिए रानी को रानी के पद से हटा दिया जाए, अन्यथा सभी राज्य के हाकिमों के सामने राजा का बहुत अपमान हो जाएगा और कोई भी स्त्री अपने पतियों का आदर मान नहीं करेगी। और यह बात राजा को अच्छी लगी तथा रानी वश्ती को पटरानी के पद से हटा दिया गया। और यह भी कहा गया कि राजा के लिए सुंदर तथा कुवारी कन्या फिर से ढूंढी जाए। यह बात राजा को बहुत पसंद आई तथा ऐसे शोशन राज्य में कन्या के खोज के लिए उसके सभी सेवक निकल पड़े। उसी शोशन नगर में मर्दके नामक एक यहूदी भी रहा करता था तथा उसने अपनी चचेरी बहन एस्तर का पालन पोषण अपने पास रखकर ही किया था, क्योंकि उसके माता पिता मर गए थे। वे एस्तर को अपनी बेटी की तरह मानता था। आगे हम देखते हैं दोस्तों, राजा की आज्ञा के अनुसार जब शोशन नगर में से कन्याओं को राजा के भवन में ले जाया गया, तब उसमें से एक एस्तर भी थी। एस्तर को राजभवन में रखा गया जहाँ कन्याओं को राजा के सामने प्रकट करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती थी तथा उनका श्रृंगार किया गया। तब तक एस्तर ने अपनी जाति किसी को नहीं बताई थी कि वह एक यहूदी है, क्योंकि उसके चचेरे भाई ने मना किया था, क्योंकि वह जानता था कि वे लोग यहूदियों से नफरत करते थे। इसके 6 महीने पश्चात देखते हैं दोस्तों कि एस्तर को राजा के सामने जाने की बारी आई। तब एस्तेर को श्रृंगार के साथ राजा के सामने ले जाया गया। तब जब राजा ने एस्तेर को देखा तो वह उसके मन को और सबसे अधिक भाई तथा उसने एस्तेर के सिर पर राजमुकुट रखा तथा उसे पटरानी होने का अधिकार दिया। इस तरह वह यहूदी कन्या शोशन नगर की पटरानी हो गई। इसके आगे हम देखते हैं कि राजा के पास हमान नाम का एक व्यक्ति था जो उस स्थान पर उच्च मंत्री था। राजा ने सब हाकिमों के ऊपर हमान को ठहराया था तथा वहां के सब हाकिम हमान को झुककर दंडवत करते थे, परंतु मर्दकै उसे कभी झुककर दंडवत नहीं करता था, क्योंकि वह एक यहूदी व्यक्ति था और यहूदी अपने परमेश्वर को छोड़ और किसी को दंडवत नहीं करते थे। परंतु यह बात हमान को बहुत बुरी लगती थी, क्योंकि वह जान गया था कि मर्दकै एक यहूदी है। इसलिए हमान ने उस राज्य में रहने वाले सभी यहूदियों को मरवा डालने की एक युक्ति बनाई। इसके पश्चात हमान राजा के पास गया तथा उसने राजा को कहा कि यहाँ इस राज्य में एक जाति रहती है, वो है यहूदियों की, जो राजभवन के आपकी सारी आज्ञाओं को नहीं स्वीकार करती है तथा उनके नियम सब लोगों से भिन्न होते हैं। यदि राजा को स्वीकार हो तो उस जाति को नष्ट करवा दिया जाए, क्योंकि हमान यहूदियों से जलन रखने वाला व्यक्ति था।
और वह बहुत ही घमंडी व्यक्ति था, इसलिए उसने यह षड्यंत्र रचा। चूंकि हामान राजा का उच्च मंत्री था, इसलिए राजा ने हामान की बात को मान लिया तथा अपनी अंगूठी उतार कर हामान को दे दी, जिसका मतलब यह था कि ऐसा ही हो। इसके पश्चात हामान ने यह आज्ञा पत्र राजा के द्वारा तैयार किया तथा उस पर राजा की अंगूठी की छाप दी गई कि इस प्रांत के सभी यहूदियों को, चाहे वह बूढ़े हों, चाहे बच्चे हों या स्त्री हो, सभी को मार डाला जाए। उस दिन के लिए सभी तैयार रहें। जब यह बात मर्दके को पता चली तो उसने अपने कपड़े फाड़ डाले तथा टाट ओढ़कर जोर जोर से चिल्लाने लगा तथा राजभवन के फाटक पर पहुंच गया, परंतु उसे टाट पहनकर राजभवन में जाने की आज्ञा न थी। जब यह बात एस्तेर रानी को उसके सेवकों ने बताई तो वह शोक के मारे घबरा गई, क्योंकि वह भी एक यहूदी थी तथा मर्दकै उसका चचेरा भाई था। तब रानी एस्तेर ने अपने सेवक को मर्दकै के पास सब हाल जानने को भेजा तथा मर्दकै ने उसके सेवक को सब कुछ बताया कि यहूदियों को मार डालने की आज्ञा राजा के द्वारा दी गई है तथा वह उन सब की ओर से राजा के भवन में जाकर अपने लोगों के लिए विनती करे। परंतु उन दिनों कोई भी व्यक्ति या कोई भी हाकिम या कोई भी स्त्री राजा की आज्ञा के बिना राजा के राजभवन में नहीं जा सकते थे, केवल वही जिस पर राजा सोने का राजदंड बढ़ाए। जब यह बात एस्तेर ने मर्दकै को बताई तो मर्दकै ने कहा कि तू ही अपनी जाति के सभी लोगों को बचा सकती है, शायद इसी दिन के लिए तुझे राजपद मिला हो। तब रानी एस्तेर ने मर्दकै के पास यह कहला भेजा कि तू जाकर शूशन के सभी यहूदियों को इकट्ठा कर तथा वह 3 दिन 3 रात तक मेरे निमित्त उपवास के साथ प्रार्थना करे। मैं भी अपनी सहेलियों सहित इस विषय के ऊपर उपवास करूंगी तथा मैं प्रार्थना करूंगी कि मैं राजा की आज्ञा के विरुद्ध उसके भवन में जा पाऊं। तब उन्होंने वैसा ही किया। तीसरे दिन रानी अपने राजकीय वस्त्र पहनकर राजभवन में जाकर खड़ी हो गई। जब राजा ने रानी को राजभवन में देखा तो वह प्रसन्न हो गया तथा उसने अपना राजदंड रानी की ओर बढ़ाया तथा कहा कि बोल रानी, तुझे क्या चाहिए? बोल तो तुझे आधा राज्य भी दे दिया जाएगा। परंतु रानी ने कहा कि यदि राजा को स्वीकार हो तो अपने मंत्री हामान के साथ भोज में आए, जो मैंने उसके लिए तैयार कर रखा है। तब राजा ने एस्तेर का निमंत्रण स्वीकार किया। तब वह हामान के साथ उस भोज में गया। भोज के समय जब राजा ने दाखमधु पिया तो फिर रानी से पूछा कि तेरी क्या इच्छा है? तब भी रानी ने यही कहा कि यदि राजा मुझसे प्रसन्न है तो कल उस भोज में आए जो मैंने उनके लिए तैयार किया है, तब मैं अपनी इच्छा व्यक्त करूंगी। तब उस दिन हामान मन में बहुत प्रसन्न था तथा जब वे बाहर फाटकों में गया तो सभी ने उसको दंडवत किया, परंतु मर्दकै ने ना किया। तब पश्चात हामान बहुत क्रोधित हुआ तथा उसने अपने हाकिमों को बुलवाकर 50 हाथ ऊंचा एक फांसी का फंदा तैयार करवाया और कहा कि मैं कल राजा को बोलकर मर्दकै को उसमें लटकवा दूंगा। क्योंकि हामान बहुत ही घमंडी मनुष्य था, वह सोचता था कि रानी ने केवल राजा के साथ मुझे ही भोज में निमंत्रण दिया है और किसी को नहीं, इसलिए सब मुझे ही दंडवत करें। परंतु मर्दकै ऐसा नहीं करता था तो वह उससे क्रोधित था। इसके पश्चात हम देखते हैं कि जब दूसरे दिन राजा और हामान रानी के भोज में आए तो जब फिर से राजा ने दाखमधु पिया तो रानी से कहा कि तेरी क्या इच्छा है, उसे पूरा किया जाएगा। तब रानी एस्तेर ने राजा से कहा कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे व मेरे लोगों को प्राण दान दीजिए। तब राजा ने कहा कि कौन तुम्हें व तुम्हारे लोगों को मारना चाहता है? तब राजा नहीं जानता था कि रानी भी यहूदी है। तब रानी ने हामान की ओर इशारा किया और बताया कि यह दुष्ट हामान मुझे व मेरे लोगों को मारना चाहता है, क्योंकि मैं भी एक यहूदी स्त्री हूँ।
तब राजा बहुत क्रोधित हुआ और हामान पर भड़का कि यह मेरी रानी के साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकता है। तब वहां खड़े और भी हाकिमों ने बताया कि हामान ने अपने पास 50 हाथ ऊंचा फांसी का फंदा भी बनवा रखा है, जिस पर यह रानी के चचेरे भाई मुर्दके को लटकवाना चाहता है। उन्होंने कहा, वह वही मुर्दके है जिसने बहुत समय पहले आपकी हित की बात कही थी, क्योंकि दोस्तों बहुत समय पहले मुर्दके ने राजा के विरुद्ध में षड्यंत्र करने वाले 2 लोगों से राजा की जान भी बचाई थी। तब राजा बहुत क्रोधित हुआ तथा उसने अपने हाकिमों को यह आज्ञा दी कि हामान ने जो फांसी का फंदा तैयार किया है उसे ही उस पर लटकवा दिया जाए, तथा ऐसा ही हुआ। तथा इसके पश्चात राजा ने सभी यहूदियों को छोड़ दिया तथा हामान का घर बार रानी एस्तेर को सौंप दिया गया। तब राजा ने मुर्दके को बुलवाया, क्योंकि वह जान चुका था कि वह रानी का चचेरा भाई है, तथा उसने मुर्दके को वह अंगूठी दी जो हामान को दी थी। तब राजा ने मुर्दके को हामान का उच्च मंत्री वाला पद सौंप दिया। इस तरह हामान का स्थान अब मुर्दके को मिल गया। इसी प्रकार राजा ने वह आज्ञा पत्र भी वापस ले लिया और सभी यहूदी बचाए गए और उन्होंने आनंद का पर्व मनाया। और इस प्रकार यहूदी साम्राज्य अपने विरोधियों पर विजय हुई। इस तरह हामान के साम्राज्य पर यहूदियों ने युद्ध के अनुसार विजय पाई तथा वह उस प्रांत में आनंद के साथ रहे। इस प्रकार उस पूरे राज्य में एस्तेर रानी व उसके चचेरे भाई मुर्दके के द्वारा शांति फैल गई तथा सभी यहूदी बचाए गए। इस पूरे अध्याय में हम देखते हैं दोस्तों कि रानी एस्तेर ने किस प्रकार अपने लोगों की जान बचाई। उसने राजा के भवन में जाने का निर्णय भी लिया, जबकि वहां कोई नहीं जा सकता था, क्योंकि उसने अपने सच्चे परमेश्वर से उपवास के साथ प्रार्थना की थी। इसी प्रकार वह यह युद्ध जीतने पाई। उसी प्रकार दोस्तों हमें भी संकटों में अपने परमेश्वर को पुकारना चाहिए व अपनी परिस्थितियों उसे सौंपनी चाहिए, क्योंकि संकट में छुड़ाने वाला वही सच्चा परमेश्वर है। वह अपनी प्रजा को कभी अकेला नहीं छोड़ता, जैसा कि यशायाह के 41 अध्याय के 10वें वचन में लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। जी हाँ दोस्तों, हमें भी अपने संकटों में अपने परमेश्वर को पुकारना चाहिए। वह हमें संकटों में बचाने के योग्य और हमारी सहायता करने के योग्य परमेश्वर है। वह हमारे दुश्मनों पर हमें विजय दिलाता है, क्योंकि उसका वचन यशयाह के 54 अध्याय के 17वें वचन में लिखा है कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें, उन सबों से जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे, यहोवा की यही वाणी है, जैसे हामान से मुर्दके जीत गया। आशा करती हूँ कि आपको यह संक्षिप्त विवरण समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपने पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इन्हें सुनकर आशीष पाएं, तो दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।